हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं हूँ पूजा। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। सारे वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे ले ली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बच्चों के लिए तो हेल्दी है ये। बच्चा आपका 6 महीने का हो या फिर साल भर का, फिर 1 साल का, 2 साल का या फिर 5 साल का, तो मेरा बेबी है 2 साल का, तो मैं उसी के लिए बना रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फिर जैसे आप न्यू मदर भी हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रेसिपी होने वाली है। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए। अब जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर जैसे अभी मैं लाई थी फ्रेश मटर है ये, तो मैं मटर को निकाल लेती हूँ और बनाना फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया लहसुन। लहसुन में तड़के के लिए करती हूँ, लहसुन का और जीरे का तड़का मारूंगी मैं इसमें। और अभी मैंने ले लिया यहाँ पे चावल। 1 कटोरी चावल लिया है मैंने, छोटी कटोरी है ये, इससे मैंने चावल ले लिया है। तो अगर आपके पास व्हाइट चावल होगा तो व्हाइट चावल के साथ ही इसको बनाएं। हम रेड चावल ही खाते हैं इसलिए रेड चावल के साथ ही बना रही हूँ। मैंने धो के इसको भिगाने रख दिया है जब तक मैं और चीज़ तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आलू काट रही हूँ। सारी सब्जियों को मैं कट कर लूंगी। आलू मैंने कट कर लिए हैं और बाकी की वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली हैं। तो अब मैं कट करती हूँ राई। जितनी भी वेजिटेबल्स आपके पास, पालक है, राई है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, एक बार आप जरूर ट्राई करें। बहुत ही सच में बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। गाजर, गोभी, एक मैंने हल्की सी ग्रीन ग्रीन जो चिली रहती है वो कट कर ली है। आलू और टमाटर, लौकी, प्याज और थोड़ी अदरक, ये है ग्रीन बीन्स और ये है थोड़ी सा पालक और राई। इसी के साथ बनाना स्टार्ट करते हैं हम। रखें 1 कटोरी, 1 कटोरी के लगभग है रेड राइस। तो इनको मैं बना लूंगी, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन घी ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है जीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच डाल दिया लहसुन का पेस्ट। और इसको अच्छे से भून लेंगे, लहसुन को थोड़ी ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। अब बारी है वेजिटेबल्स की। जितनी भी वेजिटेबल्स हमने कट कर रखे हैं सारी वेजिटेबल्स को हम ऐड कर देंगे। अब हम कड़छी की हेल्प से इसको मिक्स कर लेते हैं ऑयल के साथ सारी वेजिटेबल्स को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद ऐड करेंगे हम चावल। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ चावल और पानी। चावल मैंने बहुत कम लिए हैं क्योंकि वेजिटेबल्स सारी मिक्स करके बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए कम लिया है। अब मैंने ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये मिक्स मसाला है, बहुत ही कम ऐड किया है मैंने कि बच्चों के लिए है। इसमें होममेड मसाला है ये, इसमें मिर्च नहीं है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 बड़े गिलास पानी। तो पानी थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि चावल तो कम है लेकिन सब्जी थोड़ी ज़्यादा है, तो
जब सब्जियाँ पकेंगी तो फिर उसके लिए थोड़ी पानी ज़्यादा ही चाहिए होता है, तो पानी मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड किया है इसको मिक्स करके। अब हम रख देंगे इसको पकाने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं हेल्दी हेल्दी वेजिटेबल्स वाली खिचड़ी बिल्कुल तैयार है पक के, और अच्छे से एकदम सारी वेजिटेबल्स अच्छे से गल रखी हैं, चावल भी अच्छे से पक रखे हैं। तो मेरा बेबी भी उठ गया है तो मैं उसको खिलाने वाली हूँ। बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी है गाइस, ज़रूर इसको ट्राई करना और फिर मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। तो आई होप गाइस कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।